हेलो फ्रेंड्स, मेरा पास है रियलमी 10। इस फोन पर अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो कैसे आपको करना होगा। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा, सेटिंग्स पर मिल जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पर आपको प्रेस करना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर प्रेस करना होगा। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आपको मिल जाएगा वॉलपेपर का ऑप्शंस। तो वॉलपेपर को प्रेस करना होगा। तो अगर आपके पास कोई भी फोटो है आपका गैलरी पर, गैलरी से अगर आपको फोटो को वॉलपेपर में सेट करना है तो लोकल एल्बम पर प्रेस कीजिए। तो एग्री एंड कंटिन्यू पर प्रेस करना होगा। आपका जो फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए, गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अप्लाई पर प्रेस करना होगा। इधर से आप लॉक स्क्रीन सेट कर सकती हो, होम स्क्रीन पर सेट कर सकती हो, और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर आप सेट कर सकती हो। आपका मर्जी के अनुसार आप सेट करना होगा। ये करने के बाद आपका सेट पर वॉलपेपर सेट हो जाएगा। अगर आपको वॉलपेपर स्टोर से वॉलपेपर को सेट करना है तो कैसे करना होगा। वॉलपेपर की स्टोर से अगर आपको वॉलपेपर सेट करना है तो आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर प्रेस करना होगा। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर मिल जाएगा वॉलपेपर का ऑप्शंस। तो वॉलपेपर पर प्रेस कीजिए। तो ओपन थीम स्टोर को प्रेस कीजिए। तो थीम स्टोर पर आपको मिल जाएगा वॉलपेपर का स्टोर। इधर से आपका मर्जी के अनुसार आप किसी भी वॉलपेपर को सेट कर सकती हो। इधर आपको बहुत कैटेगरी का वॉलपेपर मिल जाएगा, जो अच्छा लगे उसी को आप सिलेक्ट कर सकती हो। इस तरह आपको उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए जो फोटो को आपको वॉलपेपर में सेट करना है। तो अप्लाई पर प्रेस करने के बाद सेट पर डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अप्लाई पर प्रेस करना होगा। तो अप्लाई पर प्रेस करने के बाद आप लॉक स्क्रीन सेट कर पाएंगे, आप होम स्क्रीन सेट कर पाएंगे, एंड आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आप सेट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपका हेल्प है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।